मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मीरा रोड के एक सोसाइटी में घुसकर शराबियों ने जमकर हंगामा किया है। खबर यह भी है कि तलवार से शराबियों ने हमला भी किया है। मीरा रोड के गीता नगर फेस 8 के एक सोसाइटी में शराबियों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। सोसाइटी वालों का कहना है कि तलवार से वार भी किया है। शराबियों का अड्डा बन गया है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। 4 से 5 की तादाद में शराबियों ने लात मार के गेट खोलकर और सोसाइटी के अंदर घुस गए और जमकर आतंक मचाया। 4-5 लोग मिलके गेट जबरदस्ती खोल के अंदर घुसे हैं। बायोमेट्रिक जो गेट है उसके ऊपर लात मार के, बायोमेट्रिक गेट भी उन्होंने खोल दिया लात मार के और अंदर घुस गए। उसके बाद उससे मारपीट करने लगे। पुलिस के यहाँ हम लोग कंप्लेंट देने गए तो पहले तो ये लोग ने 326 का धारा लगाया, बोले कि इंक्वायरी हम करेंगे। जबकि हम लोग कोशिश ये थी कि भाई आप मर्डर का केस लगाइए, हमारा लड़के को तलवार मारा है लोग ने और तलवार लेके आए, लेकिन ना तो इन्होंने हमारे बच्चे लोग का स्टेटमेंट लिया है और ना तो तलवार जब्त करने की कोशिश किया है लोग ने। हमने बताया कि ये लोग का अड्डा है यहाँ पर और वो अड्डे पे जाइए आप, वहाँ आपको मिलेगा हथियार, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आई है। दूसरे दिन हम लोग सुबह सोसाइटी वाले जाके उस बंगले का घेराव किया और उसमें देखा तो तलवार, हथियार, चाकू पड़ा हुआ है, नशीली सामानें भी थी वहाँ पे। वो सब देखने के बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, फिर यहाँ पठान आए हैं और उन्होंने तलवार जब्त करके लेके गया। चाकू वगैरह छोड़ दिए, तलवार उन्होंने जब्त करके लेके गया। अभी उसके आगे वो बोले कि हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। अड्डा बन गया ड्रग एडिक्स का, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, एनक्लोजर नहीं है, पूरा फ्लैट्स खाली पड़े, उसका गैर फायदा करते हैं चर्चे लोग। तो मेरी पुलिस प्रशासन से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी निवेदन है कि भाई इस चीज़ का जो जल्द से जल्द फैसला करे। 2 दिवसापूर्वी इथे जे मारामारीचा गुन्हा दाखल झाला होता, घटना घडली होती, त्यानिमित्ताने इथे एक गुन्हा दाखल झाला। 2 जखमींची तक्रार दिली घेतली, आपण तक्रार घेतल्यानंतर त्यांचा उपचार चालू आहे। गुन्हा दाखल झालेला आहे कायदेशीर पद्धतीने आणि 2 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे। क्राईम चौकशी चालू आहे, बाकी इतर गुन्ह्याच्या संबंधाने इतर गोष्टी आहेत ते मी आपल्याला जशी माहिती मिळत जाईल अशी आपल्याला माहिती देतो। वही पुलिस ने बताया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले की आगे की जांच की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।